बच्चों, कल हमने वायुच्छेद किसे कहते हैं ये पढ़ा। आज हम वायुच्छेद की तीव्रता के बारे में पढ़ेंगे। वायुच्छेद की तीव्रता किसे कहते हैं? किसी वायुच्छेद में किसी बिंदु पर वायुच्छेद की तीव्रता उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक है, इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? ई से प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर E बराबर क्या होता है? F अपॉन Q0। ठीक है, Q0 क्या है ये देखिए हम बात करते हैं। हमारा एक कोई क्या है, आवेश है। ठीक है, ये आवेश Q हमने माना है। इसके क्या होगा, चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होगा, तो हमने ये वैद्युत क्षेत्र मान लिया है। अब इस वैद्युत क्षेत्र में एक हमारा परीक्षण आवेश है। ठीक है, कैसा परीक्षण आवेश है? धन परीक्षण आवेश है। क्योंकि देखिए, वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में आपने क्या पढ़ा कि वैद्युत क्षेत्र की परिभाषा में कि किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, इस बिंदु पर मान लीजिए ये क्या है कि ये आपका आवेश है और इससे आर दूरी पर स्थित एक बिंदु ए है, जिस पर हमें क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु ए पर क्या करेंगे, एक धन परीक्षण आवेश रखेंगे। और इस धन परीक्षण आवेश पर यदि हम मान रहे हैं कौन सा बल कार्य कर रहा है, कैपिटल एफ बल कार्य कर रहा है। ठीक है, तो कैपिटल एफ और इसके अनुपात को, किसकी, Q0 के अनुपात को ही हम क्या कहेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपॉन Q0। कूलाम के नियम से अगर हम बात करें तो देखिए, ये आपके दो आवेश हो गए, एक Q है एक Q0 है। ठीक है, दोनों ही धन आवेश हैं, तो हम बात करेंगे कि क्या होगा, इस पर जो बल कार्य करेगा कैसा होगा, प्रतिकर्षण बल होगा और इसकी दिशा किधर की ओर होगी, इधर की ओर होगी। ठीक है, तो जिधर की ओर इसकी दिशा होगी, किसकी, बल की दिशा होगी, उधर ही की ओर क्या होगी आपकी, वैद्युत क्षेत्र ई की भी दिशा होगी। अब कूलाम के नियम से अगर हम बात करें तो वैद्युत बल का जो परिमाण है, एरो हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि हम केवल परिमाण की बात कर रहे हैं, एफ जो है बल लगने वाले बल के परिमाण वो किसके बराबर होगा, 1/4πε0 Q/Q0/r² के बराबर होगा। ठीक है, अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता के परिमाण की बात करें तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना हो जाएगा, देखिए पहले हम क्या करेंगे, F का मान रखेंगे इस जगह पर और उसे डिवाइड करेंगे Q0 से। तो F का मान इतना है, हमने ये F का मान रखा पूरा और Q0 से डिवाइड किया, तो Q0 से Q0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया और हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर कितना मिला, 1/4πε0 Q/r². ठीक है, तो किसी भी आवेश Q से r दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान कितना होता है, 1/4πε0 Q/r² होता है। अब हम अगर इसके मात्रक की बात करें कि इसका मात्रक क्या होगा, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक बटे आवेश का मात्रक। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलाम। अब अगर हम इसकी विमा की बात करें कि E की विमा कितनी होगी, तो E की विमा बराबर F की विमा बटे Q की विमा। F क्या है, बल है, बल की विमा क्या होती है, MLT-2 होती है, और Q की विमा कितनी होती है, AT। तो यहाँ से अगर हम बात करें इसको सॉल्व करके, ये ऊपर जाएगा A-1 T-1 हो जाएगा, MLT-3 A-1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं वैद्युत बल रेखाओं की। वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र है। तो सबसे हम पहले बात करेंगे कि जो वैद्युत बल रेखा एक काल्पनिक है, बस कल्पना मात्र है। ठीक है, काल्पनिक वक्र है
जिसके किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, यानी बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या प्रदर्शित करती है? उस बिंदु पर रखे धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को क्या करती है? व्यक्त करती है। ठीक है, मतलब क्या करेंगे, अगर मान लीजिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले एक हमारा धन आवेश है। ठीक है, धन आवेश से बात करें हम कि धन आवेश पर वैद्युत बल रेखाएं कैसी होंगी, तो देखिए धन आवेश ये है हमारा। अब हम एक क्या कर रहे हैं यहाँ पर, धन परीक्षण आवेश को रख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वैद्युत बल रेखा क्या है, हम यही दिखाएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर वैद्युत बल रेखा है तो इस पर वैद्युत जो बल सॉरी इस पर जो धन परीक्षण आवेश है उस पर बल की दिशा किधर की ओर होगी। ठीक है, तो हमारे ये धन आवेश हमने मान लिया है कि ये एक धन आवेश है और ये आपका क्या है, धन परीक्षण आवेश है। अब अगर हम बात करें कि इस पर बल की दिशा किधर की ओर होगी, तो देखिए ये भी धन आवेश है और ये भी धन आवेश है, दोनों एक दूसरे पर क्या करेंगे, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेंगे और इस समय इस पर बल की दिशा किधर की ओर हो जाएगी, इसको मिलाने वाली रेखा के अंदर बाहर की ओर। इसी तरीके से अगर हम बात करें कि वो धन परीक्षण आवेश हमने कहाँ रखा, यहाँ रखा, तो किस तरीके से हो जाएगा, इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदेश बाहर की ओर बल की रेखा हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पर अगर रखा है तो भी आप बात करेंगे कि इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदेश बाहर की ओर बल की दिशा हो जाएगी। यहाँ पर बात करेंगे तो भी वही चीज़ होगा, प्रतिकर्षण बल उत्पन्न करेगा और ये किधर की ओर हो जाएगी, बाहर की ओर। तो आप देख रहे हैं धन आवेश में क्या हो रहा है, हमें वैद्युत बल रेखाएं किस तरीके से प्राप्त हो रही हैं, बाहर निकलती हुई। ठीक है, अब अगर हम ऋण आवेश पर उसी परिभाषा के अनुसार बात करें तो ऋण आवेश क्या है, इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये हमने बस कल्पना की है कि इस तरीके से बल रेखाएं होंगी, ऐसा नहीं है कि धन आवेश के चारों ओर ये बल रेखाएं खींची हुई रहती हैं हर समय। ठीक है, तो ये कल्पना है, इसीलिए कहा गया है कि वैद्युत बल रेखा क्या है, काल्पनिक वक्र है। यहाँ पर देखिए अगर हम बात करें कि ये हमारा क्या है, ऋण आवेश है, ये हमने क्या रखा है, धन परीक्षण आवेश रखा। ठीक है, क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं क्या प्रदर्शित करती हैं, अगर मान लीजिए इस बिंदु पर हम वैद्युत बल रेखा दिखा रहे हैं तो ये बल रेखा है, इस पर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो क्या करेगा, ये इस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करेगा। तो ये धन आवेश है, ये ऋण आवेश है। अब धन आवेश और ऋण आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो आप बात करेंगे कि इस समय इस बिंदु पर बल की जो दिशा होगी किधर की ओर होगी, अंदर की ओर होगी। ठीक है, इसको मिलाने वाली रेखा की अंदर की ओर। इसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें कि यहाँ हमने धन परीक्षण आवेश रखा है तो ये इसको आकर्षित करेगा और बल की दिशा किधर की ओर हो जाएगी, इधर की ओर। अगर हम यहाँ बात करें कि रखा है तो इधर की ओर, और यहाँ बात करें तो इधर की ओर। इस तरीके से ऋण आवेश पर हम क्या बात करेंगे कि हमारी जो बल रेखाएं हैं वो किस तरीके से प्राप्त हो रही हैं, अंदर की ओर आती हुई प्राप्त हो रही हैं। ठीक है, अब अगर हमने मान लिया कि धन और ऋण आवेश दोनों हमने क्या रखा है, साथ में रखा है, तो देखिए यहाँ से हमें क्या प्राप्त होगा कि ये धन आवेश से ये क्या हो रही है, प्रतिकर्षित हो रही है और ऋण आवेश इसको क्या कर रहा है, आकर्षित कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगी, ये धन आवेश से निकलती हुई किधर की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी, ऋण आवेश की ओर जाती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि इनके गुण क्या है।